हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल मेरे यूट्यूब चैनल राय एजुकेशनल में। दोस्तों, ये जैसा कि आपने पढ़ लिया होगा कि ये एक इन्वायरमेंट का लेक्चर है और ये हमारे जो पर्यावरण का हम लोग लेक्चर सीरीज स्टार्ट चला रहे हैं उसमें ये इसका चौथा पार्ट है। तो जैसा कि कोटेड है कि काम एंड स्टडी इको सिस्टम, तो हम लोग आज इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब क्या होता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसा कार्यशील एवं परस्पर क्रियाशील तंत्र होता है जिसका संगठन एक या अधिक जीवों तथा उनके पर्यावरण से होता है। इसका अर्थ है कि मतलब पर्यावरण में मौजूद जैविक तथा अजैविक जो घटक होते हैं उनका सम्मिलित रूप ही हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है। बस इतना आप समझिए कि जैविक तथा अजैविक घटकों को मिलाकर जो मिश्रित रूप बनता है वो वही हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका सबसे पहले जो पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रयोग वर्ड का एजी टॉन्सले ने किया है। किसने किया है? एजी टॉन्सले ने। और एजी टॉन्सले ने कब किया है तो ये आपको पता होना चाहिए। एजी टॉन्सले ने कब किया है? 1935 में। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि एजी टॉन्सले ने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से वो जान लेते हैं हम लोग। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक हैं, जैविक और अजैविक। जैसे पता ही है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र वो बनता ही है जैविक और अजैविक घटक के मिश्रित रूप से, तो इसके दो घटक हैं। और जैविक घटक के भी तीन उप घटक हैं, जैसे कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। और उसके बाद उपभोक्ता के भी तीन अपघटक हैं, जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। ऐसे ही अजैविक घटक के तीन उप घटक हैं, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और जलवायु के तत्व। तो हमारा जो फोकस रहेगा कि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पर क्वेश्चन बनता है हमारे ये जैविक घटक के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पोषण के आधार पर जो जैविक घटक है उनका जो विभाजन हुआ है वो देखते हैं हम लोग। इनका विभाजन तीन प्रकार से हुआ है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, ये पोषण के आधार पर है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इन लोग के बारे में डिस्कस करना कि उत्पादक क्या होता है। पहले तो हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा के प्रयोग से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऐसे घटक उत्पादक या स्वपोषी कहलाते हैं। मतलब उत्पादक वो हैं पारितंत्र में, वो घटक हैं उत्पादक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो अपना भोजन स्वयं कौन बनाता है? पौधे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जो उत्पादक वर्ग हैं वो पौधे हैं। तो पौधे सूर्य की ऊष्मा लेकर, सूर्य की ऊर्जा लेके प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो उत्पादक को ही हम लोग स्वपोषी भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक, और नीचे ये दिया हुआ है वहीं प्रकाश संश्लेषण वाला जो क्रिया है कि 6CO2 + 6H2O प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल में जो बनता है उसके बाद भोजन जो बनता है वो ग्लूकोज कहलाता है, 6H12O6 जिसका रासायनिक फॉर्मूला है। और इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ जो मिलती है हमको वो है 6O2, मतलब ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने उत्पादक जान लिया। आइए आगे चलते हैं हम लोग, अब उपभोक्ता जान लेते हैं। इसके अंतर्गत वे सजीव आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं तथा अपने भोजन के लिए वो पौधों व अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, मतलब उपभोक्ता वो कहलाते हैं, वो घटक हैं पारिस्थितिकी तंत्र के जो अपना भोजन तो स्वयं बना नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अपने भोजन के लिए वो पौधों पर या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, वहाँ से वो भोजन प्राप्त करते हैं।
और इन्हें पारिस्थितिकी तंत्र में परपोषी घटक कहते हैं। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि परपोषी घटक किसे बोलते हैं, तो वो उपभोक्ता को बोलते हैं, और स्वपोषी घटक किसको बोलते हैं, तो वो बोला जा तो उत्पादक को बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब उपभोक्ता के तीन प्रकार हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता है उनको हम शाकाहारी भी बोलते हैं, तो इसके अंतर्गत वो सभी जीव, हरे पौधे अर्थात उत्पादक से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, और जैसे इनका एग्जांपल हो गया शाकाहारी में, गाय, भैंस, बकरी, हिरण, खरगोश, हाथी, टिड्डा आदि। ठीक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं जो हरे पौधों से अपना या उत्पादक से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। द्वितीय उपभोक्ता या मांसाहारी उपभोक्ता है ये वो जीव जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं। यानी कि देखिए, ये द्वितीय उपभोक्ता होंगे जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं, और प्राथमिक उपभोक्ता किस पर निर्भर करता है, वो उत्पादकों जो उत्पादन करते हैं, जैसे कि घास हो गया, हरी घास हो गई, तो उस पर निर्भर करते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर निर्भर करता है द्वितीयक, और द्वितीयक पे ऐसे ही तृतीयक करेगा। तो द्वितीयक में हो गए जैसे शेर, लोमड़ी और मेढक, छिपकली आदि। अब तृतीय उपभोक्ता क्या है, वो जीव जो मांसाहारी जीवों या द्वितीय उपभोक्ता के ऊपर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। ठीक है, जैसे सांप, गिद्ध, बाज, शेर आदि। अब देखिए, इसमें एक चयन है, ये चयन आपको समझना पड़ेगा, क्या चयन है कि जैसे यहाँ पे हो गया हमारा उत्पादक वर्ग। ठीक है, उत्पादक को जैसे हम देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हरी घास है। ठीक है, हरी घास को कौन खाएगा, हरी घास को खाएगा हमारा चाहे खरगोश कह लीजिए, चाहे गाय कह लीजिए। तो चलिए, हमारा हरी घास को खाने वाला है ये चार पैर वाला घास, मतलब गाय मान लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया जो घास है, ये जो घास है ये हो गया हमारा उत्पादक वर्ग। क्या हो गया, ये हमारा उत्पादक वर्ग, और ये जो ये गाय है ये हो गया हमारा प्राथमिक उपभोक्ता। अब प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करता है द्वितीयक, द्वितीयक मान लीजिए शेर है, लोमड़ी है, छिपकली है। ठीक है, तो ये शेर है, उसके बाल हैं ये मान लीजिए, और थोड़ा अच्छा नहीं डायग्राम बन पा रहा है फ्रेंड्स, तो ये शेर है। ठीक है, ये द्वितीय को शेर जो शेर है वो द्वितीय उपभोक्ता है, और द्वितीय उपभोक्ता के ऊपर तृतीय उपभोक्ता निर्भर करता है अपने भोजन के लिए। तो तृतीयक में आ जाएगा जैसे आप चिड़िया बोल दीजिए, कोई भी गिद्ध हो गया, चिड़िया नहीं, चिड़िया में वो भी गिद्ध हो गए, बाज हो गए, जो मांसाहारी भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा ये तीनों उपभोक्ता हमारे कंप्लीट हो गए। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे चलते हैं, और ये देख लीजिए कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव कैसे होता है। सूर्य सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, आप सभी को पता है। तो सूर्य से ऊर्जा हमारे हरे पौधे या उत्पादक वर्ग प्राप्त करते हैं, फिर उनसे प्रथम उपभोक्ता यानी शाकाहारी वर्ग, उनसे द्वितीय उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता से अपघटक जो जीवाणु या कवक होते हैं, अपघटक देख लीजिए प्राथमिक से भी प्राप्त करते हैं और उत्पादक वर्ग से भी प्राप्त करते हैं। तो ये चयन जितनी है सीरीज, आप इसको देख लेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा वेरी इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज होते हैं, जैसे हर बार हम लोग करते हैं पूरे लेसन के लास्ट में, तो इसको हम लोग देख लेते हैं, और ये कहीं ना कहीं पूछे ही गए हैं फ्रेंड्स किसी न किसी साल में, तो ये इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। तो पहला है कि भारत में सर्वाधिक रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कहाँ पाया जाता है। तो याद रखिए, भारत में सर्वाधिक रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन, रेडियोधर्मी जो प्रदूषण होता है, वो केरला में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन किस यूनिट क्या है उसकी, उसको हम लोग नापते किस में हैं, जैसे वजन को किलोग्राम ग्राम में नापते हैं, तो रेडियो एक्टिविटी को किस में नापते हैं, तो उसको हम लोग रोंटेजन में नापते हैं, यानी कि रोंटेजन उसकी एक इकाई है, एक यूनिट है रेडियोधर्मी प्रदूषण को नापने की। तीसरा है, अल्फा बीटा गामा में सर्वाधिक भेदन क्षमता किस रे की, किस किरण की होती है, तो गामा किरण की सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है। नेक्स्ट है दोस्तों कि जो समुद्रों में
कोई सामान को प्राप्त, जैसे समुद्र के तल में कोई सामान है तो उसको जानने के लिए, उसके बारे में पता करने के लिए हम लोग कौन से किरणों का उपयोग करते हैं, तो अल्ट्रासोनिक किरणों का उपयोग करते हैं, जिनकी जो क्षमता होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। इनको अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम लोग पराश्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पराश्रव्य, क्षत्रिय छ है, श्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों हम लोग, भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? ये आपको हम लोग सोचते हैं कि या हमारी यमुना होगी या गंगा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है वो गुजरात की अमलाखेड़ी नदी है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। नेक्स्ट है, पीट तथा दलदली मृदाएं किस प्रकार की होती हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है? उनका स्वभाव अम्लीय होता है, एसिडिक होती हैं वो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कि जो बायोगैस होती है उसमें कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, जो बायोगैस होती है तो उसमें मीथेन गैस होती है 60%, मतलब 100% में से 60% तो बस मीथेन गैस होती है। अब मीथेन गैस को जैसे आपको पता है मार्श गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रवाल या मूंगा किस संघ के जीव होते हैं? ये सिलेंट्रेटा संघ के जीव होते हैं, प्रवाल सिलेंट्रेटा संघ के जीव होते हैं। नेक्स्ट है, मैती आंदोलन किससे संबंधित है? देखिए इसको थोड़ा समझिएगा आप लोग। मैती आंदोलन उत्तराखंड में 1994 में से स्टार्ट है, शुरुआत है। इसमें क्या होता है, जो दूल्हा होता है वो जब शादी होती है उसकी वहाँ पे, तो ससुराल जब आता है तो वहाँ पे एक पेड़ लगाता है, ठीक है, तो उस पेड़ की रक्षा वहाँ के उनके ससुराल वाले पक्ष के लोग करते हैं। तो जैसे एक बार हुआ नहीं था कि जंगल बचा, जो एक बार हुआ था जंगल बचाओ, तो उसमें सुंदरलाल बहुगुड़ा और बहुत लोगों ने, तो लोग अपने अपने घरों से निकल कर पेड़ों को गले लगाए थे, उसको कटने से बचाए थे, तो वैसा ही कुछ एक मैत्री आंदोलन है उत्तराखंड में होता है। अगला है, नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो प्रमुख लोग हैं वो कौन कौन हैं? तो वो हैं मेधा पाटेकर हैं, बाबा आमटे हैं और अरुंधति राय हैं। हम लोग तो वैसे अधिकतर जानते हैं कि मेधा पाटेकर, लेकिन दो लोग और भी हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन से, बाबा आमटे और अरुंधति राय भी हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में है। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क की भी एक लिस्ट बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, उसको भी मैं लेके आऊँगा अब जल्द से जल्द आप लोगों के समक्ष। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके ज्ञान की वृद्धि की हो इसने, तो आप इसको ज़रूर एक लाइक तो बनता है बॉस, तो एक लाइक आप ज़रूर अपना दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन उनको समय से मिलता रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।